Hallelujah. Father, we pray that your presence will continue to linger, continue to us. And Lord, the throne of majesty, that we love you, Lord, more than anything else in this universe. Hallelujah. तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय जयकार करते हैं खुदावन। यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें हम देखेंगे। हालेलुया, कुछ बातें नहीं बल्कि एक ही बात है जिसके ऊपर हम मनन करेंगे। पढ़िए योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 30 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के आखिरी लम्हों में एक बहुत अद्भुत बात कही, उस पर हम मनन करेंगे। उसके मायने क्या हैं, जल्दी जल्दी पढ़ी जाओ, हिंदी से पढ़ो, हिंदी से योहन्ना हिंदी से पढ़ना। फिर जब सिरका ले लिया, मैं बोला पूरा हुआ, तब उसने अपना सिर झुका दिया और प्यार त्याग दिया। फिर से पढ़ो। फिर जब यीशु ने सिरका ले लिया तो वह बोला पूरा हुआ, तब उसने अपना सिर झुका दिया और प्राण त्याग दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को 3 बार सिरका दिया गया। यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम बात, योहन्ना लिखता है अपने जीवन में क्या कही, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, समाप्त हुआ। तो आज हम प्रभु के वचन में से देखेंगे कि क्या पूरा, प्रभु यीशु मसीह ने किस चीज के विषय में कहा कि पूरा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह, योहन्ना ने जो शब्द लिखे हैं योहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 30 वचन में, क्योंकि योहन्ना ने यूनानी भाषा में अपना वचन लिखता है पूरा हुआ, वो यूनानी शब्द है टेलियोसिस। टेलियोसिस, टेलियोसिस का मतलब, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से अंतिम शब्द कहे। फिर से पढ़ दो योहन्ना 19:30। फिर जब यीशु ने सिरका ले लिया तो वह बोला पूरा हुआ, यीशु मसीह बोला पूरा हुआ, समाप्त हुआ। लेकिन योहन्ना लिखता है टेलियोसिस। टेलियोसिस शब्द का मतलब संपूर्ण रीति से मुकम्मल हो गया, पूर्ण रीति से पूरा हो गया। आपको मालूम, जब इसराइली लोग परमेश्वर को कुर्बान करने के लिए मेमने सेलेक्ट करते थे, बहुत सारे मेमने परमेश्वर को चढ़ाए जाते थे, बकरे भी चढ़ाए जाते थे, छतरे भी चढ़ाए जाते थे, बैल भी चढ़ाए जाते थे, लेकिन मेमने विशेष कुर्बानी के लिए चढ़ाए जाते थे। और इसराइली लोग जो थे, मेमनों का जो सिलेक्शन होता था, मेमने को, जो मेमना प्रभु को चढ़ाया जाएगा, लैम चढ़ाया जाएगा, उसकी सिलेक्शन एक बड़ा लंबा प्रोसेस था। उसको सिलेक्ट करते थे याजक लोग। जब मेमना पैदा होता था तो याजक उस मेमने का निरीक्षण करते थे कई रीति से, शारीरिक रीति से, उसकी स्किन देखते थे, उसका पूरा जिस्म देखते थे, उसके पांव नाखून चेक किए जाते थे कि मेमने में कोई नुक्स तो नहीं है, उसका मुंह खोल के चेक किया जाता था। तो जब महायाजक मेमने चेक करते थे, तो जब याजक को वो मेमना मिल जाता था जो प्रभु को अर्पण किया जाए, तो याजक बोलता था टेलियोसिस, कि कामिल मेमना मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से क्या शब्द कहे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा टेलियोसिस, अर्थात परमेश्वर का कामिल मेमना, परमेश्वर का लीला। हालेलुया, जिसमें कोई ऐब नहीं, जिसमें कोई कमी नहीं, जिसमें कोई घटी नहीं, वो मेमना जो हर प्रकार से कामिल और मुकम्मल है, वो मानव जाति के छुटकारे के लिए क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो मैं आपको
16 बातें बताऊंगा, इसके 16 डायमेंशन हैं। पूरा हुआ का क्या मायने है, क्या पूरा हुआ? तो आपको जल्दी जल्दी वचन पढ़ने पड़ेंगे। कुछ वचन आप जो ऑनलाइन हैं प्लीज़ मार्क करते जाइए, अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो आप इधर प्रिंट करते जाइएगा। सबसे पहले पढ़िए आप जबूर 22 का पहला वचन, जबूर भजन संहिता साम 22 से पढ़िए। 16 बातें जो यीशु मसीह ने कहा पूरी हुई, यीशु मसीह के एक क्रूस पे कहने से पूरा हुआ। ये 16 डायमेंशंस हैं जो पूरी हुई हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं 22 के पहले वचन से। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? बहुत सारे भजन हैं जिनके अंदर वो वचन लिखे गए हैं जो यीशु मसीह उस समय बोलेगा जब क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। 68 भजन में, साम 160, 17 और 18 में, जिसे हलाल बोलते हैं, जो यीशु मसीह ने प्रभु भोज, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज लेना था तो यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पे गए, और 14 अध्याय मरकुस की इंजील में लिखा है यीशु मसीह ने भजन गाया। हालेलुया। यीशु मसीह भी गाते थे। 116, 17 और 18 जबूर गाया जाता था। सबसे पहली चीज़ जो यीशु मसीह ने क्या पूरी की, पूरा हुआ, यीशु मसीह ने परमेश्वर के कलाम को पूरा किया। परमेश्वर के वचन में सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 15 वचन से लेके यीशु मसीह की आमद तक सबसे पहली भविष्यवाणी यहोवा ने की। यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तेरा सर, तेरा जो बीज है वो शैतान के बीज के सर को कुचलेगा। तो यहोवा परमेश्वर के मुख से निकली भविष्यवाणी से लेके जितनी भविष्यवाणियां नबियों की किताबों में लिखी गई, जितनी भविष्यवाणियां व्यवस्था में लिखी गई, जितनी भविष्यवाणियां इतिहास की पुस्तकों में लिखी गई, यीशु मसीह सब वचनों को पूरा करने के लिए आया। जब यीशु मसीह कहता पूरा हुआ, यीशु मसीह कह रहा है हर एक लिखित पूरी हो गई। यशाया 53 अध्याय में यीशु मसीह के विषय में लिखा था वो कैसे कुचला जाएगा, कैसे मारा जाएगा, कैसे सर पे कांटों का ताज गूंथ के रखा जाएगा। यीशु मसीह खामोश रहेगा जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वाले के आगे खामोश रहता है। वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया जाएगा, वो हमारे रोग उठा लेगा, हमारी बदकारियां अपने ऊपर ले लेगा। किस रीति से जकरिया नबी की किताब में लिखा था कि कैसे उसको उसके अपने जख्म देंगे, उसे घायल करेंगे, और जब वो दोबारा आएगा अपनों को अपने शरीर के घाव दिखाएगा, और वो उससे पूछेंगे ये घाव तुझे कहाँ से मिले, तो वो कहेगा ये घाव मुझे मेरे प्यार करने वालों ने दिए हैं। हालेलुया। तो सब नबूवतें जो यीशु मसीह के लिए लिखी थी, जैसे लिखा था जकरिया में कि वो 30 चांदी के सिक्कों में बेचा, जैसे नबियों ने लिखा था कि उसका पकड़वाने वाला उसको चुम्मन चुम्मन करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह लिखतें पूरी करने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा लिखतें पूरी हुई। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 25 से लेके 26 वचन तक, लूका 24 का 25 से 26 और 44 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 से 28, पहला पत्रस 1 का 11 और 3 का 18, ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा। आप जो ऑनलाइन हैं प्लीज़ इन्हें आप इंडिकेट कीजिए ताकि लोगों को ये वचन पता लगें। हालेलुया। यशाया 13, यशाया 53, लूका 24 का 25 और 26 और 44, और यूहन्ना 19 का 28, पहला पत्रस 1 का 11 और 3 का 18। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, अर्थात कलाम पूरा हुआ, एक एक लिखित पूरी हुई, एक एक वचन पूरा हुआ। उसके बाद पढ़िए आप एक और वचन। हालेलुया। पहला यूहन्ना 12 का 31 और 32, पहला यूहन्ना 12 का 31 32 पढ़िए। हाँ, पहला यूहन्ना, सॉरी नहीं, पहला यूहन्ना नहीं है। हालेलुया। आप पढ़िए पहले कुलिसियों, यूहन्ना ये छोड़ दीजिए, कुलिसियों 2 अध्याय उसका 14, 15 और 16 वचन। कुलिसियों की पत्री 2 अध्याय 14 से लेकर 17 वचन पढ़ो। हालेलुया। परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच में से हटा दिया,
जिसमें उन विधियों का उल्लेख किया गया था जो हमारे प्रतिकूल और हमारे विरुद्ध था, उसने उसे कीलों से क्रूस पर जड़कर मिटा दिया है। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन कर दिया और अपने विजय अभिमान में बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे चलाया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कुलिसियों की पत्री में क्या समाप्त किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने शैतान को हराया। यीशु मसीह ने मौत का राज्य समाप्त किया और वचन में लिखा शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु मसीह ने शैतान को परास्त किया। यीशु मसीह ने कहा शैतान के हारने का काम पूरा हुआ। पढ़ो एक वचन और, आप इब्रानियों 2:14-15 वचन, इब्रानियों 2:14-15। हालेलुया। इब्रानियों 2:14-15। क्योंकि संतान मांस और लहू युक्त दी थी, इसलिए वह भी हालेलुया उनकी मनुष्यता में सहभागी हो गया, ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा वह उसे अर्थात शैतान को नष्ट कर सके जिसके पास मारने की शक्ति है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने समाप्त किया? शैतान के अधिकार को और मौत के अधिकार को। यीशु मसीह की मौत के द्वारा शैतान का अधिकार, मृत्यु का शासन समाप्त हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया और शैतान और मृत्यु का शासन समाप्त हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या समाप्त किया? यीशु मसीह ने एक और चीज समाप्त की। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार थी। हालेलुया। मनुष्य का परमेश्वर से मिलाप नहीं था। एक पढ़िए एक वचन जल्दी से, इफिसियों की पत्री 2:14 से, इफिसियों 2:14 से पढ़ो, इफिसियों 2:14। यहूदी और गैर यहूदी आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे और अलग हो गए थे, ठीक ऐसे जैसे उनके बीच कोई दीवार खड़ी हो, किंतु मसीह ने स्वयं अपनी देह का बलिदान देकर नफरत की उस दीवार को गिरा दिया। हालेलुया। क्या किया यीशु मसीह ने? एक दीवार थी यहूदियों के अन्य जाति के बीच में और एक दीवार थी परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में। वो भी पढ़ो एक वचन, पहला कुरिन्थियों 12:13 वचन, पहला कुरिन्थियों 12:13। हालेलुया। क्योंकि चाहे हम यहूदी रहे हों चाहे गैर यहूदी, सेवक रहे हों या स्वतंत्र, एक ही देह के विभिन्न अंग बन जाने के लिए हम उस सबको एक ही आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया गया और प्यास बुझाने को हम सबको एक ही आत्मा प्रदान की गई। हालेलुया। परमेश्वर ने यहूदी हो, यूनानी हो, बारबेरियन हो, जो भी हो इस पृथ्वी पे, हर मानव जात, जितनी कौमें, नस्लें, जातियां, प्रजातियां इस पृथ्वी पे हैं, सबको यहोवा परमेश्वर ने एक ही आत्मा पिलाया। हालेलुया। एक ही रूह से पिलाया और एक ही पवित्र आत्मा का परमेश्वर ने सबको दान दिया। गलतियों 3:28 पढ़ो जल्दी से, गलतियों की पत्री 3:28 वचन, गलतियों की पत्री 3:28 वचन पढ़िए। सो अब किसी में कोई अंतर नहीं रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना गैर यहूदी, ना दास रहा, ना स्वतंत्र, ना पुरुष रहा, ना स्त्री, क्योंकि मसीह यीशु ने तुम सबको एक हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा समाप्त हुआ, तो हर तरह की दीवार जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है और मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती है, यीशु मसीह ने वो दीवारें क्या कर दी? ढा दी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब कहा पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ? इंसान को परमेश्वर तक पहुंचने का हक मिल गया। अब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उस सृष्टा परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता, पिता कह के पुकार सकते हैं। ये अधिकार उस मनुष्य के पास नहीं है जिसने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है। तो यीशु मसीह ने जब कहा पूरा हुआ, यीशु मसीह ने संपूर्ण एक्सेस, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, पहुंच दी हमें पिता तक पहुंचने की। पढ़िए
आप इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 19 वचन से लेके कुछ आगे वचन पढ़िए, इब्रानियों 10 के 19 से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, क्योंकि यीशु के लहू द्वारा हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निर्भर भरोसा है, जिसे उसने पर्दे के द्वारा अर्थात जो उसका शरीर ही है, एक नए और सजीव मार्ग के माध्यम से हमारे लिए खोल दिया है। और क्योंकि हमारे पास एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घराने का अधिकारी है, तो फिर आओ हम सच्चे हृदय निश्चय पूर्ण विश्वास अपनी अपराध पूर्ण चिंतना से हमें शुद्ध करने के लिए किए गए छिड़काव से युक्त अपने हृदयों को लेकर शुद्ध जल से धोए हुए अपने शरीरों के साथ परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं। कैसे पहुंचे? बिल्कुल धो दिया उसने, उसने हमारा विवेक धो दिया, हमारा शरीर धो दिया, हमारी आत्मा धो दी अपने लहू के द्वारा। और जो बीच में अवरोध था कि हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, वो अवरोध हटा के यीशु मसीह ने रास्ता बना दिया। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारा। अब हमें अपना रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने धर्म के अच्छे काम करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे लिए पिता तक पहुंचने का मार्ग बन गया। हालेलुया। और छठी चीज़ यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब यीशु मसीह कहते हैं कि समाप्त हुआ, छठी चीज़ क्या है, पढ़िए रोमियो की पत्री 6 अध्याय के पहले वचन से। रोमियो 6 के पहले वचन से यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ, उसकी अलग अलग डायमेंशन हम सीख रहे हैं। हालेलुया। तो फिर हम क्या कहें, क्या हम पाप ही करते रहे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे? निश्चय ही नहीं, हम जो पाप के लिए मर चुके हैं, हम पाप के लिए मर चुके हैं। हालेलुया। आगे, पाप में ही कैसे जिएंगे? या क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का ही बपतिस्मा लिया है? हालेलुया, हालेलुया। ये अगर पूरा अध्याय पढ़ेंगे 23 वचन तक, प्रभु का दास बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मौत के द्वारा और अपने पवित्र लहू के द्वारा जो पापों का कर्जा हमारे ऊपर था, अपराधों का, पापों का, बदकारियों का, गंदे कामों का, जो हमारे पुरखों से चले पाप आ रहे थे, और हम उस बीज के द्वारा जो हमें हमारी माँ की कोख में और माता और पिता के मिलाप से जो अनुवांशिकता में पाप मिला है, वो जो बीज पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, यीशु मसीह ने सारा अपने लहू से क्या कर दिया है, धो दिया। पाप की सामर्थ हमारे ऊपर तोड़ दी प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। पाप की सामर्थ, दो चीज़ें हैं, एक है पाप की हजूरी और दूसरा है पाप की शक्ति। पाप की हजूरी है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन पाप की अब शक्ति तोड़ दी यीशु मसीह ने। हालेलुया। द पावर ऑफ सिन एंड द प्रेजेंस ऑफ सिन। हालेलुया। ये नहीं हम कह सकते कि हम बिल्कुल शुद्ध और पाप रहित हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया कि पाप अब हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर सचमुच कोई नया जन्म पाया, प्रभु की आत्मा से जन्मा है, वो पाप के अंदर निरंतर बना नहीं रहेगा, उसे परमेश्वर का आत्मा निकाल लेगा। हालेलुया। जैसे दुनिया में पाप लोगों के ऊपर राज्य करता है, यीशु मसीह ने पाप की सत्ता को, पाप की सामर्थ को हमारे जीवन से क्या कर दिया है, तोड़ दिया। एक और वचन पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय के 6 वचन से। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय के 6 वचन से। उसी ने हमें एक नए करार का सेवक बनाने योग्य ठहराया है, ये कोई लिखित सहता नहीं है बल्कि आत्मा का वाचा है, क्योंकि लिखित सहता तो मारती है जबकि आत्मा जीवन देता है। हालेलुया। अब एक वचन और पढ़ो, पहला कुरिन्थियों 15 का 54, फर्स्ट कुरिन्थियन 15 चैप्टर एंड 54 वर्स ऑनवर्ड्स। पहला कुरिन्थियों 15 के 54 से आगे तक पढ़ो। तो जब ये नाशमन देह अविनाशी चोले का धारण कर लेगी और वह मरणशील काया अमर चोले का ग्रहण कर लेगी, तो शास्त्र का लिखा ये पूरा हो जाएगा,
विजय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? और मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? पाप मृत्यु का दंश है, और पाप की शक्ति, पाप को शक्ति मिलती है उपवास से। हालेलुया। मौत का डंक और पाप का पूरा पूरा समाधान यीशु मसीह ने कर दिया अपने लहू के द्वारा। जब वो क्रूस पे मरा तो पाप का डंक उसने निकाल दिया, और यीशु मसीह ने मृत्यु के चुंगल से हमें छुड़ा लिया। जब यीशु मसीह कहते हैं ना पूरा हुआ, तो यीशु मसीह कह रहे हैं पाप अब तुम्हारे ऊपर राज नहीं करेगा, और मौत, अगर तुम, मौत आएगी तो तुम सोओगे, फिर मुर्दों में से जी उठोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पाप की शक्ति को तोड़ डाला, मृत्यु की शक्ति को तोड़ डाला। और एक वचन पढ़िए, फिलिप्पियों 2:8। तो उसने अपने आप को निहार लिया और इतना आज्ञाकारी बन गया कि अपने प्राण तक नशावर कर दिया, वह भी क्रूस पर। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या दिखाया क्रूस के ऊपर? आज्ञाकारिता। हालेलुया। जो शैतान ने बलवा किया ना स्वर्ग में परमेश्वर के विरुद्ध में, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ओबीडियंस दिखाई पिता के आगे, ताकि बलवे की जो रूह है हमारे अंदर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने की, बगावत करने की, वो रूह समाप्त हो गई, ताकि अब हम परमेश्वर की आज्ञा में जीवन जिए। बलवे के ऊपर यीशु मसीह जयवंत हुआ क्रूस के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध में, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में, परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध में, जो बगावत करने की हमारे अंदर आत्मा है। हालेलुया। उसके ऊपर यीशु मसीह हमें क्या करता है? विजय देता है। हालेलुया। एक काम और क्या किया जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ? पढ़ें इब्रानियों 2:10 और 5:8। इब्रानियों 2:10, 5:8 पढ़िए। हालेलुया। अनेक पुत्रों को महिमा प्रदान करते हुए उस परमेश्वर के लिए जिसके द्वारा और जिसके लिए सबका अस्तित्व बना हुआ है, उसे ये शोभा देता है कि वह उनके छुटकारे के विदाता को जतनाओं के द्वारा समर्पण सिद्ध करे। सिद्ध करे। आगे पढ़ो जो 5 अध्याय इसी का, इब्रानियों 5:8-11 तक पढ़ो। हालेलुया। यदि वह उसका पुत्र था, फिर भी यतनाओं झेलते हुए उसने आज्ञा का पालन करना सीखा। देखिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? दुख भोग के आज्ञा मानना सीखा। यानी कि यीशु मसीह कभी अनाज्ञाकारी था, डिसोबीडियंट था, लेकिन जब वो आया देह में, उसने आपकी और मेरी तरह दुख उठा के, परमेश्वर की आज्ञा मानना कैसे सीखा जाता है? दुख उठा के। यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा मानने की जो बात है उसे सिद्ध किया क्रूस पे, पूरा किया। हालेलुया। और आगे पढ़ें एक वचन आप इसका, कुलिसियों 1:20-21। हालेलुया। पढ़िए। कुलिसियों, एक समय था जब तुम अपने विचारों और बुरे कामों के कारण परमेश्वर के लिए अनजाने और उसके विरोधी थे, किंतु अब जब मसीह अपनी भौतिक देह में था, तब मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें स्वयं अपने आप से ले लिया, ताकि तुम्हें अपने समुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर प्रस्तुत किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हम परमेश्वर के वैरी थे, हम अंधकार में ही नहीं थे, वचन में लिखा हम खुद अंधकार थे, और हम पे करुणा और दया नहीं हुई थी, और परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे, हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध बरसना था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ, हालेलुया, क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने पिता के संग हमें मिला दिया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ लो जल्दी से, 2 कुरिन्थियों 5:14-21 तक पढ़ो जल्दी से। हमारा न्यायता तो मसीह का प्रेम है,
क्योंकि हमने अपने मन में ये धार लिया है कि वह एक व्यक्ति सब लोगों के लिए मरा, अंत सभी मर गए, और वह सब लोगों के लिए मरा क्योंकि जो लोग जीवित हैं वह अब आगे बस अपने ही लिए ना जीते रहे बल्कि उसके लिए जिए जो मरने के बाद फिर जीवित कर दिया गया। हालेलुया, मरने के बाद फिर जीवित कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मौत की पेनल्टी दी, कीमत अदा कर दी। हालेलुया। और एक वचन पढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20। अथवा क्या तुम नहीं जानती कि हमारे शरीर उस पवित्र आत्मा के मंदिर है जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और जो तुम्हारे भीतर निवास करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारी देहों को क्या कर दिया है? मंदिर बना दिया। प्रभु ने कहा कि मंदिर का काम पूरा हो गया, अब कोई और मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमारी देह में वास कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यह काम पूरा कर दिया। आपको मालूम एक और काम, 13वीं बात जो यीशु मसीह कहते हैं पूरा पूरा हुई, परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ। पढ़ें एक वचन, पढ़िए। सबसे पहले पढ़िए उत्पत 2:17, फिर रोमियो 3:21 से पढ़ना आपने। उत्पत 2:17। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूं। बस बस, क्या परमेश्वर ने कहा था मनुष्य को? एक ही आज्ञा दी थी कि एक वृक्ष का फल नहीं खाना। हालेलुया। उसके अंदर जो डीएनए था फल के अंदर, वो भले और बुरे के ज्ञान का था, और जो जीवन का वृक्ष था, जीवन के वृक्ष के अंदर जो डीएनए और आरएनए था वो यहोवा का था, यहोवा का तेज था, यहोवा का जलाल था, ग्लोरी थी, उसको खा के वो हमेशा जीवित रह सकते थे। तो आदम के पाप के बाद क्या आया? पाप आया, अपराध आया, और वो हमारे अंदर आ गया अनुवांशिकता में। हम पाप में पैदा हुए हैं। वो जो फल आदम ने और उसकी पत्नी ने खाया उसके डीएनए में चला गया, उसके आदम के डीएनए से हम सब पैदा हुए हैं। जैसे हम अपने माता पिता के डीएनए से पैदा होते हैं, ऐसे हम सारे किसके डीएनए से पैदा हुए हैं? पाप के डीएनए से। और वो पाप का डीएनए कहाँ से आया? आज्ञा ना मानने के कारण। फल का डीएनए जो खाया वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप का डीएनए आ गया। हालेलुया। तो क्या लिखा है प्रभु के वचन में, क्या लिखा है? हालेलुया। रोमियो की पत्री 3:21 से पढ़ो। रोमियो 3:21 से, रोमियो की पत्री 3:21 से पढ़ो। हालेलुया। किंतु अब वास्तव में मनुष्य के लिए यह दर्शाया गया है कि परमेश्वर व्यवस्था के बिना ही उसे अपने प्रति सही कैसे बनाता है। निश्चय ही व्यवस्था और नबियों ने उसकी साक्षी दी है। सभी विश्वासियों के लिए यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट की गई है बिना किसी भेदभाव के। हालेलुया। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर अपने न्याय को, दो बातें हैं, एक तो परमेश्वर न्यायी है, उसको अपना न्याय पूरा करना, वो पूरा पूरा तोलेगा। दूसरा, परमेश्वर को अनुग्रह करना है। दो काम है। परमेश्वर ये नहीं कभी करेगा कि न्याय ना करे, उसको न्याय करना है, उसे पाप का दंड देना देना है, जज करना है। परमेश्वर जज है सृष्टि का, और परमेश्वर अनुग्रहकारी है। अब दोनों चीज़ें परमेश्वर कैसे पूरी करेगा? परमेश्वर ने हमारे पाप का जो पेनल्टी थी वो किसके ऊपर डाल दी? यीशु मसीह के। परमेश्वर का न्याय भी पूरा हुआ, लेकिन परमेश्वर के न्याय को आपको मालूम किसने झेला? यीशु मसीह के निष्कलंक लहू ने। परमेश्वर के न्याय को कोई झेल नहीं सकता था। हालेलुया। केवल यीशु मसीह का खून झेल सकता था।
परमेश्वर के यीशु मसीह के खून ने परमेश्वर के न्याय को भी झेल लिया और यीशु मसीह के लहू के द्वारा अनुग्रह भी आ गया पृथ्वी की जातियों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कर्जे क्षमा हो गए, हमारी मॉर्टगेज कैंसिल कर दी, परमेश्वर का न्याय भी पूरा हो गया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या पूरा हुआ क्रूस से? हमारी देहों की चंगाई का काम, हमारी जो देह है ना शरीर, ये चंगे रहें, स्वस्थ रहें और हम दीर्घायु भोगें, ये काम भी यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हालेलुया। पढ़ें एक वचन, मत्ती 8 का 17 और 13 का 15। मत्ती 8 का 17, 13 का 15, बड़े ध्यान से सुनिए ये वचन, मत्ती 8 का 17, 13 का 15 पढ़ो। ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर ने विश्वक्ता यशायाह द्वारा जो कुछ कहा था उसने हमारे रोगों को ले लिया और हमारे संतापों को ओढ़ दिया। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखते भी पूरी हुई, वो लिखते पूरी करने के लिए आया, मैंने पढ़ा, लेकिन क्या पूरा कर दिया? हमारी चंगियाई का दरवाजा खोल दिया। हम परमेश्वर से शारीरिक और मानसिक और अपनी इमोशनल हर तरह की चंगाई परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में हासिल कर सकते हैं। और अगला वचन पढ़ दो, 13 का 15, मत्ती 13 का 15। क्योंकि इनके हृदय जड़ता से भर गए, इन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं और अपनी आंखें मूंद रखी हैं ताकि वे अपनी आंखों से कुछ भी ना देखें और वे कान से कुछ ना सुने पाए या कि अपने हृदय से कभी ना समझे और कभी मेरी और मत्ती 13 का 15 है। अपड़ो जशाया 53, जशाया 53 4 और 5। हालेलुया। यशाया नबी की किताब 53 4 और 5 पढ़ो। किंतु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, हमारे पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए, उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया, पीड़ा भी ले ली यीशु मसीह ने, और हम यही सोच रहे हैं कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। लोग क्या सोच रहे थे जब यीशु मसीह क्रूस पे लटका है? कि इसने पाप किया है, ये अपने आप को परमेश्वर बनाता था, ये पाप किया इसलिए यहोवा इसे सजा, ये सोच रहे थे यहूदी लोग। लेकिन वचन में लिखा है सच्चाई क्या थी, वो हमारे पापों को भोग रहा था, हमारे अपराधों को उसने उठा लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, उसके मार खाने से हम चंगे किए, हम चंगे किए जा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। चंगे किए जाएंगे नहीं, चंगे किए जा चुके, हमारी शारीरिक चंगाई पूरी हो चुकी है। पहला पत्रस 2 का 24 पढ़ो जल्दी से, पहला पत्रस 2 का 24। उसने क्रूस पर अपनी देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जिए। क्या लिखा है? प्रभु के वचन में लिखा है यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर लिए और हमारे रोग भी अपनी देह में भोग लिए। अब हम पाप के लिए मर के प्रभु के लिए जिएंगे और उसके मार खाने से हम चंगे, किसके कोड़े खाने से चंगे किए गए हैं? यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे किए गए हैं। और यीशु मसीह ने क्या पूरा किया क्रूस के ऊपर? पढ़े एक वचन, कुलिसियों 2 का, ये तो पढ़ लिया हमने, फिर से पढ़ लो 2 का 14 से, कुलिसियों 2 का 14 से। परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच में से हटा दिया, उल्लेख जो हमारे लिखते जो थी हमारे विरुद्ध में, वो यीशु मसीह ने हटा दी और क्या किया, आगे पढ़ो, जिसमें उन विधियों का उल्लेख किया गया था जो हमारे प्रतिकूल और हमारे विरुद्ध था। हमारे विरुद्ध जो बातें थी यीशु मसीह ने हटा दी और किलों के साथ क्रूस के ऊपर गाड़ दी। 16 ये बातें हैं जो यीशु मसीह कहते हैं पूरी हुई। हालेलुया। और हमारे जीवन में स्वर्गीय आशीषों और स्वर्गीय अभिषेक और परमेश्वर की हजूरी का मार्ग खुल गया यीशु मसीह के क्रूस पे अपना लहू बहाने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। सब पूरा हुआ, समाप्त हुआ। देखिए ये 16 चीजें समाप्त हुई और 16 आशीषें खुली। हालेलुया।
तेरे लहू दी जय यीशु हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू ये तख्ताए सलीब पर कौन है लटक रहा ये तख्ताए सलीब पर कौन है लटक रहा ये तख्ताए सलीब पर कौन है लटक रहा कि जिस के सारे जिस्म से कि जिस के सारे जिस्म से खून टपक रहा खून है टपक रहा ये तख्ताए सलीब पे कौन है लटक है सरनगू वो मगर सर पे ताज लटक रहा है सरनगू वो मगर सर पे ताज लटक रहा और उस के पास पास अब और उस के आस पास न दोस्त है न आशना और उसके आस पास अब न दोस्त है न आशना ये तख्ताए सलीब पे कौन है लटक रहा के उस के सारे जिस्म से खून है टपक रहा खून है टपक रहा ये तख्ताए सलीब पर कौन है लटक मिसाले बड़ा बेजुबा ओ मालिक दोनों जहां मिसाले बड़ा बेजुबा ओ मालिक दोनों जहां लटक रहा वो नीम जा लटक रहा वो नीम जा सामने खड़ी है माँ लटक रहा वो नीम जा सामने खड़ी है माँ तख्ताए सलीब पर कौन है लटक रहा ये
लिटकता ये सलीब पर, ये यीशु है लटक रहा के उसके सारे जिस्म से, के उसके सारे जिस्म से खून है टपक रहा, खून है टपक रहा, खून है टपक रहा, खून है टपक रहा, खून है टपक रहा। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी पसली के भले के लिए जो तेरी रिब्स को चीर के आर पार हो गया। हालेलुया। पसली में घो पाभाला दिल के आर पार हो गया, कोड़ों की मार से मसीह तार तार हो गया, कोड़ों की मार से यीशु तार तार हो गया। पसली ने गो पभला दिल के आर पार, पसली में गो पभला दिल के आर पार हो गया, कोड़ों की मार से मसीह तार तार हो गया, कोड़ों की मार से मसीह तार तार हो गया। पसली में गो पभला दिल के आर पार हो गया, पसली में गो पभला दिल के आर पार हो गया, कोड़ों की मार से मसीह तार तार हो गया, कोड़ों की मार से मसीह तार तार। Jesus, we bless you for your suffering on the cross, for bleeding on the cross, for the crown of thorns. Lord, thank you that you were smitten for me, you were crushed for me, you were bruised for me. You took my iniquity on you, you took my sin on you, you took my curse on you. You lifted up my maladies, my sicknesses and diseases, Jesus. You died for me. So now I live for you, Jesus. This life belongs to you, Lord, because you bought this life. Hallelujah. Tera dhanyavaad, tu mere jeevan mein aaya, Khudaavan. ये मेरा जीवन तेरा है। सब दुआ करें, खुदावन से कहें, खुदावन मेरी ज़िंदगी अब तेरी है, तू मेरे लिए मरा ताकि मैं तेरे लिए जीऊँ, तूने अपने लहू का दाम दे के मुझे ख़रीद लिया खुदावन, अब मैं तेरा हूँ, मेरी रूह जिस्म जान तेरी है खुदावन। प्यारे खुदावन, मैं दुआ करता हूँ इस समय,
खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ भाई कुंदन शाह के लिए, उसे आप छुएं खुदावंद, अपना हाथ उस भाई के जीवन पे बढ़ाएं यीशु नासरी, हालेलुया, उसे चंगा करें, कुवत से भरें, आशीषित करें। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने प्रार्थना बिनतियाँ भेजी हैं, वो तेरे हजूर में उठाता हूँ उन प्रार्थना बिनतियों को। खुदावंद मैं राकेश के बहन को, उनके खुदावंद रिश्ते संबंधियों को, उनके घराने को जो US में है, जो प्रार्थना बिनती भेजी उसे आपके हजूर में उठाता हूँ। खुदावंद भाई ललित ने जो प्रार्थना बिनतियाँ भेजी हैं महेश भाई के लिए और सबरवाल बहन के लिए और करण के लिए, भाई इमैनुअल सिंह के लिए, वो सब प्रार्थना बिनतियाँ आपके हजूर में उठाते हैं। खुदावंद आपका खून छिड़कते हैं। मैं खुदावंद ये लोग जो ऑनलाइन हैं, इनके नाम तेरे हजूर में लेता हूँ। बहादुर सिंह आकाश को अपने खून में छिपाइए, सुनीता कौर को अपने खून में छिपाइए, इनकी बेटी राज को अपने खून में छिपाइए, हरपाल बाजवा इनकी पत्नी को अपने खून में छिपाइए जिसने हमारे साथ उपवास रखे हैं, बहादुर सिंह आकाश को, मीनू सूद को इनके घराने को अपने खून में छिपाइए, भाई ललित मेहरा को इनके घराने को अपने खून में छिपाइए, रेनू सैमुल को अपने खून में छिपाइए, साहिल भाई को पाकिस्तान में खून में छिपाइए, जसवंत सिंह को अपने खून में छिपाइए, प्रभु कृष्ण कुमार को आपके लहू में छिपाता हूँ। मुकम्मल चंगाई दें खुदावंद इस भाई को। साबी सुरजीत इसके घराने को आपके खून में छिपाता हूँ। हरदीप सिंह को आपके लहू में, लहू के साए के नीचे लाता हूँ खुदावंद। रूबी संघेरा उनके खानदान को आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ खुदावंद। हाले मंगल थापा नेपाल से उनके खानदान को आपके खून के साए के नीचे लाता हूँ खुदावंद। राकेश कुमार को आपके खून के साए के नीचे लाता हूँ यीशु नासरी, हालेलुया, अपना हाथ बढ़ाएं इन लोगों के ऊपर। मनोज कुमार भाई को अपने लहू में छिपाएं, आपके खून के साए के नीचे इस भाई को करता हूँ खुदावंद। देवेंद्र कुलर को प्रभु जी परमजीत जी को आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ, उनके खानदानों को, बच्चों को आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ खुदावंद। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, तेरे लहू की जय हो, हालेलुया। प्रभु जी बहुत सारे और लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, उनको आपके खून में छिपाता हूँ। गुरदीप सिंह को आपके खून में छिपाता हूँ, रमन खान को आपके लहू में छिपाता हूँ, उनके खानदान को, रीना खान को खुदावंद, उनके बच्चों को, उनकी माता को, उनके भाइयों को, दोनों भाइयों को आपके लहू के साए के नीचे लेके आता हूँ। सोनिया नार को आपके लहू में छिपाता हूँ प्रभु, इसकी बहनों को, इसके खानदान को आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावंद। मैं विनीता चोपड़ा को जो ऑस्ट्रेलिया से हैं आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावंद। जो लोग इंग्लैंड से उनको आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावंद, इस समय ऑनलाइन है, आपके लहू के साए के नीचे छिपाता हूँ खुदावंद यीशु नासरी, हालेलुया। एक एक जन को खुदावंद अपने खून के साए में लपेट के रखिए खुदावंद, हालेलुया। तेरे लहू की जय जयकार हो, तेरे नाम की महिमा हो खुदावंद, हम तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया। तुझे जलाल देती है खुदावंद आज के दिन, इस घर को तेरे लहू में मैं छिपाता हूँ खुदावंद, इस घर के चारों ओर तेरे खून की बाढ़ बांधता हूँ, हालेलुया, तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं उस बहन के लिए भी दुआ मांगता हूँ जिसने हमारे संग उपवास रखा है, उसे बरकत दें। पास्टर सतपाल जी को जिन्होंने उपवास रखा है, इनके घराने को बरकत दें खुदावंद। आज जब शाम को हम प्रभु भोज करते हैं, आपकी हजूरी का अबर चाहते हैं प्रभु भोज की सभा पे खुदावंद, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। शाम को 6 बजे से 6:30 के बीच में, 6 to 6:30 के बीच में हम प्रभु भोज करेंगे। और मैंने आपको बताया आप कल भी कि आप जैसे किशमिश होती है रेजन, जिसे सौगी भी बोलते हैं, उसे भिगो लीजिए, उसे ग्राइंडर में पल्वराइज कर लीजिए, ग्राइंड करके उसका लिक्विड निकाल लीजिए, और एक रोटी लीजिए, ताजी एक रोटी बनाइए, और जब उसे आप बेलते हैं, बेल के हटते हैं, तो उसके अंदर हल्के हल्के 39 बार टक लगाइए, टक 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 करके छुरी से, और उसे बनाइए, और शाम को हम प्रभु भोज करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मैं एक बार फिर जिनके नाम मैंने नहीं ले पाया खुदावंद, उन सबको भी आपके खून के साए के नीचे छुपाता हूँ प्रभु। मैं इन भाइयों के लिए जो ये आपके लिए गाते बजाते हैं, इनको आपके लहू में छिपाता हूँ, इनके घरानों, इनके खानदानों को आपके खून में छिपाता हूँ, बरकत दीजिए खुदावंद, हालेलुया। आपका जलाली नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह।